सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट के प्रथम पाठ मत ठहरो का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आपकी जो यह कविता है मत ठहरो, यह कविता हमें निरंतर कठिन परिश्रम तथा कठिन परिश्रम के द्वारा प्रगति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस कविता में कवि ने परोपकार तथा स्वावलंबन को ही जीवन माना है। तो बच्चों, इस कविता को लिखने वाले, इसके रचनाकार कौन हैं, आइए पहले हम उनके जीवन से परिचित होते हैं। बच्चों, पहले देखिए आपका जो पाठ है मत ठहरो, इसकी दो तीन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम कवि का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। आपके पाठ का नाम है मत ठहरो। जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को ठुकराकर निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना और दूसरों के हित के लिए अपना सुख त्याग कर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। सभी क्रांतिकारी और समाज सेवी इसी तरह का जीवन जीते हैं। इस जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को क्या क्या त्याग और प्रयत्न करने पड़ते हैं, यह इस कविता के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए कवि का जीवन परिचय देखते हैं। श्री कृष्ण सरल जी का जन्म 1 जनवरी 1919 ईस्वी को मध्य प्रदेश के गुना जिले के अशोकनगर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद तथा माता का नाम यमुना देवी था। सरल जी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। अपना संपूर्ण लेखन भारतीय क्रांतिकारियों को समर्पित करने वाले श्री कृष्ण सरल का जन्म 1 जनवरी 1919 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ। सरल जी ने 15 महाकाव्यों सहित कुल 124 ग्रंथ लिखकर हिंदी की बड़ी सेवा की। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, स्वराज्य तिलक, जय सुभाष आदि इनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख महाकाव्य हैं। चटगांव का सूर्य, दूसरा हिमालय, जय हिंद, रामप्रसाद बिस्मिल आदि इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। इनके काव्य संग्रहों की सूची भी लंबी है, जिसमें किरण कुसुम, काव्य कुसुम, स्नेह सौरभ, राष्ट्रवीड़ा, शहीदी गजलें, स्मृति पूजा आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी द्वारा श्री कृष्ण सरल के नाम पर कविता के लिए श्री कृष्ण सरल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2 सितंबर सन 2000 को इनका निधन हो गया। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने कवि का जीवन परिचय देखा कि कवि ने एक क्रांतिकारी जीवन व्यतीत किया था और वह अपने जीवन में परिश्रम तथा परोपकार को महत्व देते थे। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिएगा और पाठ्य पुस्तक खोलकर
जिस प्रकार से मैं कविता का वाचन कर रही हूँ आप भी उसे करने का प्रयास करेंगे। मत ठहरो, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। केवल गति ही जीवन विश्रांति पतन है। केवल गति ही जीवन विश्रांति पतन है। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। बच्चों पहले आइए हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। प्रण, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, और टलना है अर्थात हटना है। गति, गति मतलब चलना। विश्रांति, विश्रांति थकान या रुकावट। पतन, गिरावट या अधोगति। ठहरना, स्थिर होना या रुकना। व्रत, प्रण या प्रतिज्ञा। हित, भलाई के लिए या कल्याण के लिए। छलना, धोखा। ठहरो, रुको। तो बच्चों आप शब्दों के अर्थों से परिचित हो गए। आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। बच्चों इस यह जो आपका पाठ है और इस पाठ की ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देता है कि जीवन गतिमान होता है और ठहराव आने पे औन्नति हो जाती है, अर्थात व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। तो कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें तो लगातार चलते रहना है। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें तो लगातार चलते रहना है। तुमने चलने का जो प्रण या प्रतिज्ञा की है उसी पर तुम्हें मजबूती से बने रहना है, अर्थात उस पर तुम्हें अटल रहना है। जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, जो तुम्हारा प्रण है, उस पर तुम्हें अटल रहना है और उस अपने प्रण या प्रतिज्ञा को पूरा करना है। केवल गति ही जीवन विश्रांति पतन है। केवल गति ही जीवन विश्रांति पतन है। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। कवि कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रण है, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, उस पर तुम्हें अटल बने रहना है और उससे बिल्कुल भी हटना नहीं है, क्योंकि जीवन में गति हुआ करती है। जो हमारा जीवन है उसमें एक गति होती है, लय होता है, चाल होती है। तो जीवन में गति हुआ करती है। थकान या रुकावट आने पर आदमी को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में गिरावट आ गई है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तुम्हारे गति में, जो तुम्हारे जीवन में गति है, जो चाल है, अगर उसमें थकान आने लगी, तुम्हारा शरीर थकने लगा या रुकावट आने लगी, तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन पतन की ओर बढ़ रहा है। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। कवि का मानना है कि ठहरना अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना।
तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में थकान या रुकावट आने लगी और आपका जीवन गतिमान नहीं है, तो समझो कि हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो कहते हैं कि इसलिए तुम्हारे ठहराव से जीवन भी ठहर जाता है। कवि का मानना है कि यदि मनुष्य ठहर गया तो उसका जीवन भी ठहर जाता है और शायद उसे फिर जीवन नहीं कहते हैं। यदि जीवन में गति नहीं है, चाल नहीं है, तो ऐसा जीवन जीवन नहीं है। परंतु जब हमने चलते रहने का प्रण किया हुआ है, प्रतिज्ञा की हुई है, तो ठहराव किस बात का है? जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा। कवि कहते हैं कि जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तुमने निरंतर गतिमान रहने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो फिर ठहरने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ है? अपने सुख हित सुख की खोज बड़ी छलना है और अपने कल्याण के लिए यदि हम सुख की खोज करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा हम कोई कार्य करें जिसमें मेरा ही कल्याण हो, अपनी ही भलाई के विषय में जब हम सोचते हैं, तो यह क्या है? सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन का धोखा है। क्योंकि कवि का मानना है कि हमें परोपकार करते रहना चाहिए, केवल अपने कल्याण या अपनी भलाई के विषय में न सोचकर विश्व के जितने भी मनुष्य हैं, नागरिक हैं, सबके जीवन की भलाई की बात सोचनी चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें बिना ठहरे ही चलते रहना है। आगे देखिए, तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ, तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो कवि कहते हैं, पहले शब्दार्थ देख लीजिए, जमाना, युग, प्रतीक, चिन्ह या पहचान, विश्व प्रगति अर्थात संसार की उन्नति, जनहित या सभी लोगों की भलाई के लिए। तो कवि कह इस इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं, कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया के अन्य लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं, तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं आगे उन्हें बढ़ाओ। कवि कहते हैं कि तुम्हें लगातार चलते रहना है, साथ ही युग को भी अपने साथ चलाना है और इस उन्नति के दौर में जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने का हमारा कर्तव्य है। ऐसे व्यक्ति जो उन्नति नहीं कर पाए हैं, उनके जीवन में उन्नति लाने का प्रयास करना हमारा कार्य है। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कवि कहते हैं कि इस तरह संसार की उन्नति का, उसमें परिवर्तन लाने का आदर्श बनकर तुम्हें प्रतीक अर्थात पहचान बनना है। जब तुम संसार के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करोगे, उन्हें उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करोगे,
तो उनमें एक प्रकार का परिवर्तन आएगा और ऐसे लोगों के लिए तुम आदर्श बन जाओगे और तुम्हें आदर्श बनकर एक प्रतीक बनकर उन व्यक्तियों के बीच में अपनी एक पहचान बनानी है। तुमको जनहित के सांचे में ढलना है, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। इस संसार के लोगों की भलाई के लिए कार्य करने के सांचे में तुम्हें ढल जाना है। हमें तुम्हें ऐसा कार्य करना है जिससे इस संसार के लोगों की भलाई हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल देना है, उसी के अनुरूप बन जाना है। और इसलिए तुम ठहरो मत, तुम्हें तो आगे ही आगे बढ़ते जाना है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लग वे स्वयं चली जाती हैं। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लग के वे स्वयं चली जाती हैं। जितने भी रोड़े मिलें उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से डलना है, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। अब इन पंक्तियों के पहले शब्दार्थों से आप परिचित हो लें। बाधाएं, रुकावटें, असफलताएं, विफलताएं, दृढ़ निश्चय पक्का इरादा, लख देखकर, रोड़े रुकावट मार्ग की बाधाएं, ठुकराओ ठोकर मारकर हटा दो, पथ मार्ग डलना कुचलना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संदेश देता है कि हमें असफलताओं और बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं या रुकावटें और विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं। जितने भी रोड़े मिलें उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से डलना है, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। इसके बाद कवि कहते हैं कि मनुष्य के मार्ग में जितनी भी बाधाएं या रुकावटें और विफलताएं आती हैं वह मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं, वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जब व्यक्ति ने प्रण कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है और वह अपने मार्ग पर डटा हुआ है तो फिर उसमें बाधाओं और असफलताओं का कोई कार्य ही नहीं है। इसलिए वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं और इसलिए मार्ग के रोड़ों को अपने पैर की ठोकर से एक तरफ हटा दो, अपने मार्ग के कांटों को अपने पैरों से कुचल डालो और अपने मार्ग पर चलते रहो, तुम्हें रुकना नहीं है। अगली पंक्तियाँ, जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ। कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। इन पंक्तियों के शब्दार्थों के अर्थों को देखिए। जुट जाओ अर्थात काम में लग जाओ,
व्यर्थ, बेकारिया, निष्फल, गवाओ, नष्ट करो या बिताओ, अवसर खोकर, मौका नष्ट करके, सदा हमेशा, हाथ मलना है, पश्चाताप करना है या पछताना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि व्यर्थ समय बिताकर मनुष्य को जीवन भर पश्चाताप ही करना पड़ता है। यदि मनुष्य ने अपना व्यर्थ में समय गंवाया, अपने समय को प्राथमिकता नहीं दी, तो उसे जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। कहते हैं कि जो समय चला जाता है वह लौट कर वापस नहीं आता है, इसलिए हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो कुछ करना है उठो करो, जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गंवाओ। हे मनुष्यों, तुम्हें जो भी कार्य करना है उसे पूरा करने के लिए तुम्हें उठना चाहिए, अपने कार्य को पूरा करना चाहिए और कार्य में तल्लीन होकर लग जाना चाहिए। उसमें पूरी तरह से अपना मन लगाकर पूरे मनोयोग से लग जाना चाहिए। जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गंवाओ। अपने जीवन के समय का एक भी क्षण व्यर्थ अर्थात बेकार के कामों में नहीं बिताना चाहिए। कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। कवि कहते हैं कि यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया हुआ है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया है। कवि कर्म में विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि यदि मनुष्य कर्म को कर रहा है तो वह एक प्रकार से ईश्वर की भक्ति कर रहा है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। तो कवि का मानना है कि यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया है, अर्थात अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही ईश्वर की भक्ति है। काम को पूरा करने का समय गंवा दिया तो फिर सदा ही पछताना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें ठहरना नहीं है, सदैव गतिमान बने रहना है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी सीख दी है कि हमें अपने जीवन में निरंतर अपने कर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए, निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हमारे अंदर परोपकार और परोपकार की भावना होनी चाहिए और अपने उन्नति के साथ साथ दूसरों की भलाई और हित के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए, उनके लिए प्रतीक बनना चाहिए। तो यह कविता आपकी पूरी हुई। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। टलना, हटना, विश्रांति, विश्राम या आराम, व्रत, प्रण, प्रतिज्ञा या संकल्प, हित के लिए, जनहित, लोगों की भलाई, सांचा, किसी वस्तु का ऐसा उभारदार आकार जिसमें कोई पदार्थ डालकर बिल्कुल उसके जैसी वस्तु बनाई जा सके, दृढ़ निश्चय, मजबूती, दादा, लख, देखकर, रोड़े, ईंट पत्थर के टुकड़े या बाधाएं, दलना, रौंधना या कुचलना, छलना, भ्रम या धोखे में रखने का भाव। इस पाठ से जो हमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सांचे में ढलना, किसी व्यवस्था के अनुसार स्वयं को
परिवर्तित करना, पथ का कांटा, रास्ते की बाधा या मुसीबत, हाथ मलना, पछताना। तो बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर गतिमान बने रहना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ भली प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर याद करने का प्रयास करिएगा, अपनी कॉपी में करिएगा और साथ में कविता को याद करने का प्रयास करिएगा, कविता को भली प्रकार से पढ़ने का प्रयास भी करिएगा। धन्यवाद।